और वो अपनी सेना के साथ नहीं अपितु पूर्णता अकेला है। शिशुपाल, मैंने सोचा था कि तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है इस पृथ्वी पर, किंतु देखो है, वो कृष्ण तुमसे भी बड़ा मूर्ख निकला, अकेला निकला है। किंतु मैं जरासन महाचतुर, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आर्यव्रत के समस्त सेना के साथ जाऊंगा। शीघ्र ही कूच करो, इस बार उस कृष्ण का अंत करके ही लौटना है हमें। तुमने ठीक तो सुना था ना, कृष्ण अकेले निकला था। हाँ जरासन, शिशुपाल सब युद्ध के लिए निकल चुके हैं। ये युद्ध कृष्ण और समस्त भारत के वीर योद्धाओं के मध्य होगा, किंतु कृष्ण कर क्या रहा, वो समस्त सेना के साथ क्यों नहीं गया? कृष्ण का ये कार्य तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो अकेले जरासन और शिशुपाल से लड़ तो सकता है, परंतु इतनी विशाल सेना से लड़ना अत्यंत कठिन होगा। राधा, जानते हो अभी कुछ प्रवासी तुम्हारे उस कृष्ण के विषय में अत्यंत रोचक समाचार लेकर आए, जानना चाहोगी? कैसे समाचार? समाचार ये है कि कृष्ण और बलराम बिना किसी सहाय, बिना किसी सेना के समुंदर की ओर जाते दिखाई दिए। दोनों अकेले? परंतु कृष्ण तो युवराज है अभी, उसे ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, कदाचित मती मारी गई उसकी। हाँ बाबा, मती तो उसकी बहुत पहले से ही मारी गई है, किंतु सोचो राधा, यदि प्रवासियों को यह ज्ञात है कि कृष्ण अकेला है, तो क्या जरासंध और शिशुपाल को यह ज्ञात नहीं होगा? वो तो समस्त भारत की सेना लेकर जाएंगे उस कृष्ण को मारने के लिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है राधा, कृष्ण अकेले उनकी विशाल सेना से लड़ पाएगा? जरासन से, शिशुपाल से? कदापि नहीं। ये तो असंभव है, कृष्ण ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है? कृष्ण समुद्र की ओर गया है, अर्थात वो मेरे लिए ही गया है, वो स्थान के निर्माण के लिए जा रहा है। कृष्ण जो कुछ करता है सोच समझ के करता है, अवश्य उसने सब सोच लिया होगा। राधा, तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? क्यों हंस क्या रही हो? कदाचित अपनी सुध-बुध खो बैठी है ये राधा। कृष्ण वहां संकट में है राधा, और तुम हंस रही हो। किंतु वो कृष्ण है बाबा, मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण अपना ध्यान स्वयं रख सकता है। और हाँ, बलराम दाव भी तो होंगे ना उसके साथ, तो चिंता किस बात की, आप निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कीजिए। और अयन, तुम भी आओ बैठो, भोजन ग्रहण कर लो। मुझे भूख नहीं है। यदि कृष्ण समुद्र की ओर जा रहा है तो इस पर्वत से होकर ही जाएगा। मुझे सम्राट, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। ये सारा पर्वत सूखे वृक्ष और सूखे घास से भरा हुआ है। तब तो मुझे एक ऐसी योजना सूझ रही है।
जिससे कृष्ण को हम बिना युद्ध किए ही मार सकते हैं। अरे कौन सा, ये वाला नहीं तो कौन सा? हाँ भाई दे दो। हाँ ठीक है, तो ये लो। अरे नहीं ये अच्छा नहीं है, उसके पीछे देखिए। कौन सा? ये वाला। पीछे देखिए ना, उसके उसके बाजू में। ये वाला थोड़ा ऊपर पीछे देखिए। अच्छा ये? नहीं नहीं उसके पीछे, वो अच्छा नहीं है। अरे देखो ना पीछे, इतने समय नहीं है मेरे पास। दाओ कान्हा, मैं पीछे ही देख रहा हूं, अब तुम पीछे देखो। क्या नाटक लगा रखा है? कभी ये वाला दो, कभी वो वाला, ये वाला नहीं वो वाला। सारे फल एक जैसे ही होते हैं ना, एक आम एक अमरूद तो नहीं होगा एक पेड़ पर। ये लो। कैसा है? ठीक है? ठीक है, उसके पीछे अच्छा था। भूल हो गई मुझसे, जो तुमसे चुनौती लगा ली मैंने, अब मैंने निश्चय कर लिया है काना, अब मैं जीवन में कभी तुमसे चुनौती नहीं लगाऊंगा। चुनौती के नाम पर इतना सताता है कोई, वो भी अपने ही दाव को। देखिए दाव, मुझे पर पूर्ण विश्वास, अब पुनः चुनौती लगाओगे, पुनः हारोगे। आप इतनी सरलता से सुधरने वाले में से नहीं। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठो, खा लो। स्वादिष्ट है। वैसे एक बात बताओ काना, जब तुम्हें पहले से ही ज्ञात था कि वो जरासंध हम पर आक्रमण करने ही वाला है, तो सेना साथ लानी चाहिए थी ना? अब वो जरासंध, उसकी इतनी विशाल सेना, ऊपर से वो मूर्ख शिशुपाल और रुक्मी, यदि एक साथ मिलकर एक साथ आक्रमण करेंगे तो थोड़ा सही, किंतु हम पर भारी तो पड़ी जाएंगे ना? मेरा उद्देश्य है मथुरा के हर एक सैनिक के प्राण बचाना, और इससे मैं रुक नहीं हो सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी मेरे साथ मेरे दाव हैं, बलराम दाव। मुझे कैसी चिंता, किस बात का भय हो सकता है मुझे? एक क्षण, उन सब से, उतनी बड़ी विशाल सेना से मुझे अकेले लड़ना होगा। अरे आपके नाम में बल है, आपके हाथ में बल है, आपके नाक में आंख में बल है, आपके तो सब कुछ में बल है, और मेरे तो नाम में भी बल नहीं है। तो समस्त भारत वर्ष से मैं अकेले लड़ूंगा। सोचिए संसार क्या सोचेगा, क्या स्मरण रखेगा। एक अकेला योद्धा था जिसने जरासंध को भी परास्त किया, शिशुपाल को भी परास्त किया, समस्त भारतवर्ष को परास्त किया, और वो करने वाला व्यक्ति एक अकेला योद्धा था। था? था से तुम्हारा क्या तात्पर्य? वो तो ऐसे नहीं, था का अर्थ क्या होता? तो आ गया देखो। ना ना ना, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं, और यदि युद्ध लड़ूंगा तो तुम भी मेरे साथ लड़ोगे, मैं अकेले नहीं लड़ने वाला। मैं आपके साथ युद्ध लड़ूंगा? हाँ। सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने जैसा क्या है, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। रुक्मी, तुम अपनी आधी सेना पर्वत की ओर भेजो और उनसे कहो, यदि कृष्ण पर्वत पर चढ़ता हुआ दिखाई दे तो स्वयं पताकार लहराए, और यदि छल से वो किसी और मार्ग की ओर लौटने लगे तो लाल पताका लहराए। आधी सेना उस पर्वत की ओर बढ़ेगी। कृष्ण चाहे जो भी कर ले, मेरी योजना से बच नहीं पाएगा। हो